हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दिए गए गद्य खंड का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। इसमें 32वें नंबर का पैसेज है, विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। विद्यार्थी जीवन में गांधी जी को व्यायाम में रुचि नहीं थी। ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज या ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट लाइफ गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट इन एक्सरसाइज। ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट डेज अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान गांधी जी हैड नो इंटरेस्ट इन एक्सरसाइज। स्कूल बंद होते ही वे घर चले जाते थे और अपने पिताजी की सेवा करते थे। एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड ही वेंट होम, वह घर चले जाते थे एंड सर्व्ड हिज फादर। एज सून एज ज्यों ही द स्कूल क्लोज्ड विद्यालय बंद होता था, ही वेंट होम वह घर चले जाते थे एंड सर्व्ड हिज फादर और अपने पिता की सेवा करते थे। शनिवार को प्रातः काल का स्कूल था। ऑन सैटरडे स्कूल वाज ओनली इन द मॉर्निंग। ऑन सैटरडे शनिवार को द स्कूल वाज ओनली इन द मॉर्निंग, सवेरे का स्कूल था। गांधी जी को व्यायाम के लिए शाम के 4 बजे स्कूल पहुंचना था। गांधी जी हैड टू रीच बैक टू स्कूल फॉर एक्सरसाइज एट 4 PM, 4 बजे। गांधी जी हैड टू रीच बैक टू स्कूल फॉर एक्सरसाइज एट 4 PM। उनके पास घड़ी नहीं थी, ही हैड नो क्लॉक। उनके पास कोई घड़ी नहीं थी, ही हैड नो वॉच। बादलों के कारण सही समय ज्ञात नहीं हो सका। ड्यू टू क्लाउड्स ही कुड नॉट नो करेक्ट टाइम। ड्यूटी क्लाउड बादलों के कारण ही कुड नॉट नो द करेक्ट टाइम। बादलों के कारण वो सही समय नहीं जान सके। ड्यू टू क्लाउड्स ही कुड नॉट नो द करेक्ट टाइम। गांधी जी उस समय स्कूल पहुंचे जब अन्य छात्र अपने अपने घर लौट चुके थे। गांधी जी रीच्ड द स्कूल, गांधी जी स्कूल पहुंचे थे। व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स हैड गॉन बैक टू देयर होम्स, गांधी जी रीच्ड द स्कूल, गांधी जी विद्यालय पहुंचे थे। व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स हैड गॉन टू देयर होम्स, जब सारे विद्यार्थी अपने घर चले गए। दूसरे दिन प्रधानाचार्य ने रजिस्टर देखा तो गांधी जी को अनुपस्थित पाया। द नेक्स्ट डे अगले दिन व्हेन द प्रिंसिपल सॉ द रजिस्टर या व्हेन द प्रिंसिपल चेक्ड द रजिस्टर द नेक्स्ट डे व्हेन द प्रिंसिपल सॉ द रजिस्टर ही फाउंड गांधी जी एब्सेंट। The next day, when the principal saw the register, he found Gandhiji absent. Gandhiji को उन्होंने अनुपस्थित पाया। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने जो हुआ था बता दिया। When he was asked the reason, और जब उनसे कारण पूछा गया, when he was asked the reason, he told what had happened. तो जो हुआ था उन्होंने बता दिया। प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। The principal did not believe his reason. प्रधानाचार्य को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। The principal did not believe his reason and fined him, और उन पर जुर्माना कर दिया। The principal did not believe his reason and fined him.
गांधी जी दुखी हुए कि उन्हें झूठा समझा गया। गांधी जी बिकेम सैड, गांधी जी दुखी हुए, गांधी जी बिकेम सैड दैट ही वाज अंडरस्टूड टू बी अ लायर। गांधी जी बिकेम सैड दैट ही वाज अंडरस्टूड टू बी अ लायर। 33वां, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड विथ फेल्योर, असफलता से हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड विथ फेल्योर। सफलता और असफलता दोनों बहनें हैं। सक्सेस एंड फेल्योर आर लाइक सिस्टर्स, सक्सेस एंड फेल्योर आर लाइक सिस्टर्स। असफलता हमारी आंखें खोलती है और हमारी कमजोरियों को हमें बताती है। फेल्योर्स ओपन्स अप आवर आईज एंड एक्सपोजेस, उजागर कर देती है, एक्सपोजेज ऑफ आवर इग्नोरेंस। फेल्योर्स अप सफलताएं ओपन्स फेल्योर ओपन अप असफलता हमारी आंखें खोलती हैं। फेल्योर्स ओपन्स अप आवर आईज, असफलता हमारी आंख खोलती है एंड एक्सपोजेज अप आवर वीकनेस, और हमारी कमजोरियों को बता देती है, उजागर कर देती है। उन्हें दूर कर हम भविष्य में सफल हो सकते हैं। बाय ओवरकमिंग देम, उस पर विजय प्राप्त करके, उन्हें दूर करके मतलब बाय ओवरकमिंग देम वी कैन सक्सीड अगेन, हम दोबारा सफल हो सकते हैं। बाय ओवरकमिंग देम वी कैन सक्सीड अगेन इन द फ्यूचर, भविष्य में हम सफल हो सकते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने प्रयोग में असफल हो जाते हैं। इवन द ग्रेट साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी, इवन द ग्रेट साइंटिस्ट फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोग में असफल हो जाते हैं। इवन द ग्रेट साइंटिस्ट फेल इन देयर एक्सपेरिमेंट, बड़े बड़े योद्धा युद्ध के मैदान में पराजित हो जाते हैं। Big warriors are defeated in their battlefield. Big warriors, बड़े बड़े योद्धा are defeated in the battlefield. महान नेता चुनाव हार जाते हैं। Great leaders lose their elections. Great leaders, बड़े बड़े नेता lose their elections. परंतु वे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। But they constantly keep trying. किंतु वह निरंतर प्रयास करते रहते हैं। बट दे कॉन्स्टेंटली, लगातार कीप ट्राइंग, प्रयास करते रहते हैं एंड डेफिनेटली गेट सक्सेस वन डे, एंड डेफिनेटली गेट सक्सेस वन डे। ग्रेट लीडर्स लूज देयर इलेक्शन, बड़े बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं। बट दे कॉन्स्टेंटली कीप ट्राइंग, लगातार प्रयास करते रहते हैं एंड डेफिनेटली गेट सक्सेस वन डे, और एक दिन सफल हो जाते हैं। मार की कठिनाइयां देखकर हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। वी शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड बाई सीइंग द डिफिकल्टीज ऑफ द वे। We should never be disappointed, हमें कभी निराश होना नहीं चाहिए। By seeing the difficulties of the way, यदि हम दृढ़ निश्चय कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। If we take a strong determination, अगर हम दृढ़ निश्चय कर लें, If we take a strong determination, तो कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible. अगर हम कर लें ए स्ट्रांग डिटर्मिनेशन,
मजबूत इरादा हम अगर बना लें तो कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है लाइफ इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रगल। लाइफ इज द अदर नेम ऑफ स्ट्रगल, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। इट इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, यस जीवन जो है गुलाबों की सेज नहीं है। तो इस तरह से ने आपने देखा कि दिए गए पैसेज का किस प्रकार से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। थैंक यू।